हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जतिन आशन, मुंबई आई केयर से ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट आई सर्जन, और आज हम डिस्कस करेंगे लेसिक ऑपरेशन में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। लेसिक मतलब लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमोलिसिस प्रोसीजर में आपका चश्मे का जो नंबर होता है उसे हम लेज़र द्वारा कॉर्निया के कर्वेचर को कम या ज़्यादा करके उसको अप्रोप्रिएटली करेक्ट करके हम निकाल दे सकते हैं। तो लेसिक ऑपरेशन एक आधुनिक प्रोसीजर है जिसमें आपकी कॉर्निया की कर्वेचर चेंज होके आपका चश्मे का नंबर हमेशा के लिए जा सकता है। तो ये प्रोसीजर क्या एक सिंगल टाइप का प्रोसीजर है या इसमें भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं? तो बेसिकली लेसिक अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे हम ब्लेड लेसिक कहते हैं, सेकंड प्रोसीजर होता है जिसे हम ब्लेडलेस या फेमटोसेकेंड लेसिक कहते हैं, थर्ड होता है प्रोसीजर जिसे हम PRK प्रोसीजर कहते हैं। ये जो होते हैं, ये तीन टाइप के प्रोसीजर्स जो होते हैं, ये आपकी जो फ्लैप बनती है वो टेक्निक के हिसाब से या बिना फ्लैप के किए हुए सर्जरी को कहते हैं। तो बेसिकली ब्लेड लेसिक क्या होता है? ब्लेड लेसिक में एक माइक्रोकेराटोम जो कि एक मोटराइज सिस्टम होती है उसे यूज़ करके आपके पुतली के ऊपर एक फ्लैप बनाया जाता है। ये फ्लैप आपकी पुतली को एक स्लाइस करता है, मतलब पुतली को किताब की तरह ओपन करता है, और इसको फ्लैप को उठा के लेज़र एनर्जी देके इस फ्लैप को फिर से रखा जा सकता है। पर जब माइक्रोकेराटोम के बेसिस पे फ्लैप बनाया जाता है तो इसके लिए आपकी जो कॉर्निया की कर्वेचर होती है उसे हम एक नॉर्मेटिव डेटाबेस के साथ कंपेयर करते हैं, और साथ ही साथ उसके हिसाब से एक अप्रोप्रिएट साइज के रिंग को लेके हम फ्लैप बनाते हैं। पर इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जो होती है एक नॉर्मल रेंज में बहुत ही अच्छी होती है। जब आपकी कॉर्निया की कर्वेचर नॉर्मल रेंज में होती है तब माइक्रोकेराटोम से बनाए हुए फ्लैप की प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। पर अगर आपका कॉर्निया काफ़ी फ्लैट है, मतलब उसकी कर्वेचर 41 से कम है, या और आपका कॉर्निया काफ़ी स्टीप है, मतलब उसकी कर्वेचर 46 डायोप्टर से ज़्यादा है, तो माइक्रोकेराटोम के बेसिस से बनाए हुए फ्लैप की प्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इनमें या तो फ्री फ्लैप होने के या कि फ्लैप में होल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। इन केसेस के लिए आपके लिए फेमटोसेकेंड द्वारा या ब्लेडलेस फ्लैप ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ब्लेडलेस लेसिक मतलब कि फ्लैप बनाने के टेक्निक जो कि लेज़र द्वारा किया जाता है, ये इस टेक्निक में फेमटोसेकेंड लेज़र से हम कंप्यूटर असिस्टेंस द्वारा आपके इन टाइम रियल टाइम पोजीशन में आपके कॉर्निया के ऊपर फ्लैप बना सकते हैं। अंडर कंप्यूटर गाइडेंस आपकी आंखों की रियल टाइम इमेज ली जाती है और आपकी फ्लैप की थिकनेस, डायमीटर और उसकी पोजीशन को हम प्री डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपकी कॉर्निया की कर्वेचर कैसी है, हम इस फ्लैप को चूज़ करके बना सकते हैं। ये कम्प्लीटली ब्लेडलेस होता है और लेज़र एनर्जी द्वारा आपकी फ्लैप को बनाया जा सकता है। इसका बेड का सरफेस बहुत ही स्मूथ माना जाता है और ये हर प्रकार के कॉर्निया के लिए यूज़फुल हो जाता है। तो अगर आपके केस में माइक्रोकेराटोम ब्लेड पॉसिबल नहीं होगा तो फेमटोसेकेंड लेसिक से फ्लैप को बनाया जा सकता है। हालांकि इसकी कॉस्टिंग माइक्रोकेराटोम से थोड़ी बढ़ जाती है। थर्ड ऑप्शन जो होता है जिसमें हम कोई फ्लैप नहीं बनाते हैं, इसमें आपकी पुतली के ऊपर जो कॉर्निया होती है उसकी जो एपिथीलियम के सेल्स होते हैं उसे हम हटा देते हैं, जिसे हम इधर स्क्रेप कर सकते हैं एक स्क्रेपर से या अल्कोहल से उसे हम निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट लेज़र एनर्जी देके हम लेसिक सर्जरी पूरी कर सकते हैं। ये प्रोसीजर में उसे एपिथेलियल लेयर को हील करने के लिए, स्पीडन अप करने के लिए बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस बिठाया जाता है जो 4 दिन बाद निकाला जाता है। ये प्रोसीजर के बाद आपको 4 से 5 दिन के लिए इरिटेशन, पेन, वाटरिंग और लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है। ये प्रोसीजर में थोड़ा हीलिंग के लिए वक्त लगता है, पर एट द एंड ऑफ 1 मंथ लेसिक प्रोसीजर और PRK प्रोसीजर दोनों के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं। हालांकि PRK प्रोसीजर की हीलिंग स्लो होने की वजह से कुछ लोगों को
दो से तीन महीनों तक भी ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये हो जाते हैं आपकी फ्लैप और बिना फ्लैप के बनाए हुए प्रोसीजर के बारे में चॉइस। पर अगर आप चाहते हैं कि विजन की क्वालिटी को भी एनहांस किया जाए तो लेसिक में वो भी पॉसिबल हो जाता है। आपकी लेसिक के करेक्शन के मेथड के हिसाब से लेसिक को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्टैंडर्ड या एस्पेरिक लेसिक और दूसरा होता है कस्टमाइज लेसिक। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाती है? स्टैंडर्ड लेसिक को हम सिंपल तरीके से अगर कंपेयर करें तो जब आप कोई शर्ट खरीदने जाते हैं तो आप एक स्टैंडर्ड साइजिंग, मतलब आपकी साइजिंग के हिसाब से 38, 39, 40 इस हिसाब से लेते हैं। उसी प्रकार से जब आपकी आँखों के नंबर को सिर्फ मशीन में फीड किया जाता है तो वो उसे एक नॉर्मेटिव डेटाबेस से कंपेयर करके, आपकी कॉर्निया के कर्वेचर को एक नॉर्मेटिव डेटाबेस से कंपेयर करके करेक्शन करता है। इसे हम एस्पेरिक लेसिक या स्टैंडर्ड लेसिक कहते हैं। पर इस लेसिक में सिर्फ नंबर करेक्शन हो जाता है। पर अगर हम आपके कॉर्निया के कर्वेचर को मल्टीपल पॉइंट्स में डिवाइड करें और अगर देखें कि आपकी कॉर्निया की कर्वेचर माइक्रोन लेवल पे थोड़े हद तक फर्क हो जाता है, जिससे कि आपकी विजन की क्वालिटी और ऑक्युलर एब्रेशंस डिटरमाइन किए जा सकते हैं, और इनको जब मशीन में फीड किया जाता है और इन्हें भी जब नॉर्मलाइज किया जाता है और करेक्ट किया जाता है, कॉर्निया की स्मूदनिंग की जाती है, तो इसे हम कस्टमाइज लेसिक कहते हैं। तो अलॉन्ग विद नंबर करेक्शन, जब आपके एब्रेशंस और टोपोग्राफी को भी जब करेक्ट किया जाता है और कस्टमाइज वे में किया जाता है तो आपकी विजन की क्वालिटी भी एनहांस हो जाती है, जिससे कि आपकी नाइट विजन, लो लाइट विजन और आपको हेलोज दिखना कम हो जाते हैं। ये प्रोसीजर करके आपके विजन क्वालिटी को भी एनहांस किया जा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लेसिक प्रोसीजर से ना ही चश्मे की डिपेंडेंसी कम हो पर विजन की क्वालिटी को भी एनहांस किया जा सके, और आप चाहते हैं कि एक सुपरविजन भी अचीव हो सके, तो कस्टमाइज लेसिक की चॉइस करा सकते हैं। ये लेसिक को अलग अलग नाम दिया गया है। कस्टमाइज लेसिक को डिपेंडिंग ऑन द मशीन जिस पे लेसिक किया जाता है, जेड लेसिक, क्यू लेसिक, कंटूरा लेसिक या वेव फ्रंट गाइडेड या टोपो गाइडेड लेसिक भी कहा जाता है। अल्टीमेटली ये सारे प्रोसीजर्स सिमिलर ही होते हैं और डिपेंडिंग ऑन द मशीन यूज्ड इनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम ही माने जाते हैं। इनकी चॉइस करना, अगर आपकी कॉर्निया की कर्वेचर थोड़ी अब नॉर्मल है और अगर आपको नाइट विजन की ज़्यादा अच्छी ज़रूरत पड़ जाती है, जिन लोगों को ड्राइविंग वगैरह होती है, नाइट टाइम ड्राइविंग ज़्यादा होती है, लो डिम लाइट में काम ज़्यादा होता है, या जिनको कलर्स के अंदर सेंसिटिविटी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि जिन लोगों की एनिमेशन वगैरह और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बेसिस पे काम होता है, उनके लिए कस्टमाइज लेसिक करवाना ज़्यादा बेटर हो जाता है। ये लेसिक कराने से आपके विजन की क्वालिटी काफ़ी हद तक एनहांस की जा सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चश्मे का नंबर निकल जाए और आप चाहते हैं लेसिक करवाना, तो हमें संपर्क कीजिए। मैं डॉक्टर जतिन आश्रम मुंबई आई केयर से आँखों की अप्रोप्रिएट टेस्टिंग करा के और आपकी लाइफस्टाइल अंडरस्टैंड करके आपके लिए जो बेस्ट लेसिक प्रोसीजर होगा उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। आपकी आँखों की हर बीमारी के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।